हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा आपका सेमीकंडक्टर से। आपके पास VI करेक्टरिस्टिक्स है जंक्शन डायोड का, ठीक है, रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो आपको पता है कि ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका ये रिवर्स वाले का करेक्टरिस्टिक्स है ना, रिवर्स बायस का करेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? बताना है रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है, फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस। आई बात समझ? जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, हमें पता है कि इन केसेस में हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन ओमिक होते हैं बिल्कुल। स्टार्टिंग में देखिए किस तरीके से ग्राफ है, देन उसके बाद एकदम फटाक से इंक्रीज़ हुआ। इस केस में देखिए स्टार्टिंग में ओमिक हुआ, देन उसके बाद कोई इंक्रीमेंट ही नहीं आ रहा करंट में, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ क्या कहेंगे? नॉन ओमिक ग्राफ है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी डाटा गिवन है, इसी से आपको सारी चीज़ें निकालनी होगी, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट फॉरवर्ड बायस के लिए रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, लिख लेते हैं फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है ना, कैसे निकालोगे आप? डेल्टा वी बाय आई करके सोचो ना ज़रा। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाय आई, ठीक है। तो ये वी डेल्टा वी होता है ना, मतलब चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो डेल्टा वी, कोई भी दो पॉइंट उठा लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पर आपको वैल्यू दे रखी है, तो आप इन्हीं में से काम करिए। तो फाइनल मतलब 0.8 - 0.7, ठीक है। इस पॉइंट पर करंट कितना है? इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों पॉइंट्स पर करंट आपको गिवन है, तो उसका भी आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 - 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0.1/10, और आंसर आएगा आपका 10^-2, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, एग्जैक्ट कैसे कर दिया है, 0.01 हो जाएगा, या फिर 10^-2 ओम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस में देखेंगे आप, तो रिवर्स बायस में आपके पास ये हो गया करंट, जो कि 1 माइक्रो एम्पियर है। देखिए रिवर्स के केस में जो करंट होता है वो माइक्रो में चलता है, और फॉरवर्ड के केस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में चलता है। एक बात, दूसरी बात, जब आप इसको अगर बिल्कुल स्केल पे इन ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे, तो ये माइक्रो, ये जो करंट दिखा नहीं, ये करंट बिल्कुल दिखता भी नहीं है, क्योंकि माइक्रो सोचो ना कितना छोटा होता होगा, माइक्रो तो बहुत छोटा होता है। तो ये बिल्कुल ग्राफ इस तरीके से जाता है, ये बनाया बिल्कुल जूम करके है, लेकिन एग्जैक्ट में ये जूम करके मतलब दिखेगा, मतलब इस तरीके से। अदरवाइज़ अगर इसको जूम नहीं करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे चिपकता हुआ जाएगा, ये वाली जो लाइन है इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो में चल रहा है ना, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से करोगे ग्राफ ड्रॉ, तो ये आपका चिपकता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये जूम करके दिखाया गया, अदरवाइज़ आप चीज़ें कैसे सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो यहाँ 1 माइक्रो एम्पियर लिख दिया गया है, तो आप इसी तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो करंट आपको दे दिया गया है, वोल्टेज आपको यहाँ पर गिवन ही है। तो फटाफट आर इज इक्वल टू वी बाय आई करना है यहाँ पर। तो वी कितना है? -10 वोल्ट, ठीक है। आप बस मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ज़्यादा प्लस माइनस की जरूरत है नहीं। 10 / करंट भी वैसे माइनस में ही रहेगा, तो माइनस से माइनस वो कट जाएगा, तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10^-6, ठीक है। तो 10^-6 ये ऊपर जाएगा, तो 10^7 हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और आपसे क्या पूछा था? आपसे ये पूछा गया था कि रेशियो बताना था कि फॉरवर्ड टू रिवर्स के रेजिस्टेंस का, है ना। फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10^-2, और रिवर्स बायस में कितना है? 10^7। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आता है, ये हो जाएगा 10^, ये सही सॉल्व किया था ना, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 10^9 ओम। मतलब 9 ओम तो नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट लेस हो जाएगा, रेशियो पूछा है ना। तो ये इतना आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये कह सकते हो 1 नैनो है कि नहीं। 1 नैनो का मतलब होता ही क्या है, 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व करना। तो काफ़ी चीज़ें जो हमने सीखी, क्या क्या सीखा कि ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। ये करेक्टरिस्टिक्स मतलब जस्ट वी और आई के बीच में जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया है, और ये रिवर्स का करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि फॉरवर्ड में करंट मिली एम्पियर में आएगा, रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में चलता है। एक बात। अच्छा, फॉरवर्ड में अब अगर करंट देखोगे तो देखो स्टार्टिंग में धीरे धीरे कम होता है, उसके बाद फटाक से इंक्रीज हो जाता है। और ये नॉन ओम्बिक ग्राफ ड्रॉ करना होता है आपको। ठीक है, ड्रॉ करना क्या होता है, ये हो ही जाता है, मिल ही जाता है आपको ऐसा ग्राफ। ठीक है, और ये नी वोल्टेज होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों को डिटेल में देखनी होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू, इतना डिस्कशन काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।